लेक्चर इज अबाउट विटामिन के। विटामिन के जो है वो लिक्विड सोलूबल विटामिन की फैमिली से ही बिलोंग करता है। ऑब्वियसली लिपोफिलिक है तो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होगा। ये इसका मेन ओरिजिनली डिफाइंड रोल जो है वो प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में है। जो प्रोटीन ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में यूज होती हैं बेसिकली उनकी एक्टिवेशन में रोल प्ले करता है। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन जो होती हैं इन प्रोटीन की, जो कि रिस्पॉन्सिबल है ब्लड क्लॉट के लिए, उनकी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में जो है विटामिन के अपना रोल प्ले करता है। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होती है जो आफ्टर ट्रांसलेशन होती है, प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है उसके बाद उसको एक्टिव करने के लिए कि वो एक्टिवली अपना रोल परफॉर्म करे बॉडी में, कुछ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस होती हैं। तो जो विटामिन के है एक्चुअली एज अ कोएंजाइम वर्क करता है कार्बोक्सिलेशन उन प्रोटीन्स की जो कि ब्लड क्लॉट में हेल्पफुल है। ये फिर आगे जाके पूरा मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगी। के इज ड्राइव फ्रॉम द जर्मन वर्ड कोगुलेशन। बेसिकली थ्री कंपाउंड्स हैं विटामिन के जो बायोलॉजिकली एक्टिव हैं और अपना रोल प्ले करते हैं। प्लांट्स में ये फाइलोक्यूनोन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं जिसे हम विटामिन के वन भी कहते हैं। ये प्लांट सोर्स है तो ऑब्वियसली ग्रीन वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज मीनाक्यूनोन्स, उनको हम विटामिन के टू भी कहते हैं। ये इंटेस्टिनल बैक्टीरियल फ्लोरा में प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे माइक्रोफ्लोरा हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं हमारे इंटेस्टाइन में, वो बनाते हैं मीनाक्यूनोन विटामिन के टू। एंड नेक्स्ट इज मीनाडायोन, जिसे हम मीनाडायोल डाइएसिटेट भी कहते हैं। ये सिंथेटिक कंपाउंड है जो कि लेबॉरेटरी में जो है प्रिपेयर किया जाता है और ये इसको फिर कन्वर्ट किया जाता है के टू में और फिर ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट और अब्जॉर्ब होता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर हैं तीनों फॉर्म्स के विटामिन के की। जो फाइलोक्यूनोन है प्लांट सोर्स, उसमें 20 कार्बन साइड चेन है। जो मीनाक्यूनोन है उनमें 30 कार्बन साइड चेन है। और जो सिंथेटिक विटामिन के है उनमें जो आइसोपिरेनोइड चेन अटैच है 20 और 30 कार्बन की फाइलोक्यूनोन में मीनाक्यूनोन में, उनकी जगह सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम अटैच है। तो ये जो हाइड्रोजन एटम अटैच है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो सकता है और इस विटामिन को वाटर सोल्यूबल करेक्टरिस्टिक दे सकता है। बात करें इसके सोर्सेज की, डाइटरी सोर्सेज की, तो जो फाइलोक्यूनोन है प्लांट सोर्स हैं, ऑब्वियसली उसकी डाइटरी सोर्सेज अवेलेबल होंगी जो कि केल है, स्पिनेच है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो इतनी भी सारी हमारे पास आती हैं, और इसके अलावा मार्जरीन है, लीवर है, वेजिटेबल ऑयल है, पर्टिकुलरली ऑलिव कैनोला एंड सोयाबीन ऑयल। और बाकी जो आपको मैंने बताया है कि मीनाक्यूनोन जो है वो हमारे इंटेस्टिनल बैक्टीरिया हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं बॉडी में, वो प्रोड्यूस करते हैं। तो ये आप ये समझ लें कि अगर हमारा वो पार्ट इंटेस्टाइन का जहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं और जो हेल्प करते हैं फॉर्मेशन ऑफ विटामिन के फॉर्म, तो अगर वो पार्ट रिमूव हो जाएगा या उसमें कोई डिजीज़ होगी तो ऑब्वियसली फिर विटामिन के फॉर्मेशन हमारी बॉडी में डिक्रीज कर जाएगी, इसकी वजह से डेफिशिएंसी रिजल्ट हो सकती है। जस्ट लाइक अदर फैट सोल्यूबल विटामिन, विटामिन के भी स्मॉल इंटेस्टाइन में इन द प्रेजेंस ऑफ बाइल सॉल्ट जो है वो माइसेल फॉर्मेशन के साथ अब्जॉर्ब होता है और फिर उसको काइलोमाइक्रोन्स के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लीवर। स्टोरेज अकर इन लीवर एंड फ्रॉम लीवर ट्रांसपोर्टेशन टू पेरिफेरल सेल इज कैरीड आउट बाउंड विद बीटा लिपोप्रोटीन VLDL के थ्रू। फिर वो लीवर के डिफरेंट पार्ट्स में, लीवर से डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो ट्रांसफर किया जाता है। कंडीशन कॉजिंग इम्पेयर्ड अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन के, जितने भी हमारे पास फैट सोलबल विटामिन हैं इंक्लूडिंग विटामिन के, अगर हमारे पास फैट मेल अब्जॉर्प्शन होगी तो ऑब्वियसली हमारे पास काइलोमाइक्रोन नहीं बनेंगे, बाइल सॉल्ट्स नहीं बनेंगे, कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा। तो इनकी वजह से जो है इन चीज़ों की जो अब्जॉर्प्शन है वो इम्पेयर्ड हो जाएगी, क्योंकि फैट सोलबल विटामिन की अब्जॉर्प्शन एज इट इज़ जिस तरह लिपिड्स की या फैट्स की अब्जॉर्प्शन होती है उसी तरह होती है, और जो जो स्ट्रक्चर आपको उसके लिए चाहिए वही स्ट्रक्चर आपको फैट सोल्यूबल विटामिंस की अब्जॉर्प्शन के लिए भी चाहिए। तो अगर ये फैट मेल अब्जॉर्प्शन होगी किसी भी डिजीज़ के रिजल्ट में, जो कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम है, क्रोन डिजीज़ है, या अगर आपकी स्मॉल बाउल रिसेक्शन हुई हुई है जिसमें आपका इंटेस्टाइन का पार्ट रिमूव कर देते हैं, तो इन सब चीज़ों की वजह से जो है वो
विटामिन के की अब्जॉर्प्शन जो है वो इम्पेयर होगी। इसके अलावा जो अब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज़ हो सकती है, जैसे कि जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल होता है तो उनको जो है वो एंटी कोलेस्ट्रॉल जो ड्रग दी जाती है ताकि उनकी ट्राइग्लिसराइड लेवल जो कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी में कम हो सके, तो उस केस में फिर जो है वो विटामिन के की अब्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। टोटल एवरेज डेली अलाउंस ऑफ विटामिन के इस 50 to 120 माइक्रोग्राम पर डे, इसकी रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ कर जाती है अगर लीवर डिसऑर्डर है, क्योंकि लीवर रिस्पॉन्सिबल है इसकी स्टोरेज के लिए और फिर फर्दर ट्रांसपोर्ट के लिए। अगर कोई लीवर डिजीज़ होगी तो स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन इम्पॉसिबल होगी। पेशेंट पर लॉन्ग एंटीबायोटिक थेरेपी बाइल एसिड सिक्योरेंट्स यूज़ करेंगे, जैसे कि कोलीस्टाइरेमीन है या कोलेस्टिपोल है, तो बाइल एसिड फॉर्मेशन नहीं होगी। या ऑर्ली स्टेट हम वेट लॉस के लिए यूज़ करते हैं, कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन प्रोहिबिट की जाती है, तो बाइल एसिड फॉर्मेशन नहीं होगी तो इसकी अब्जॉर्प्शन जो है वो इम्पेयर्ड होगी, तो डेट्स वाई इसकी जो रिकमेंडेड डाइट्री अलाउंस है वो बढ़ जाएगा। जो विटामिन के है वो अपना रोल प्ले करता है मोस्टली मैंने आपको बताया ब्लड क्लोटिंग में, कोगुलेशन में, बोन सिंथेसिस में और प्रिवेंशन ऑफ ऑस्टियोस्क्लेरोसिस में। अब विटामिन के किस तरह रोल प्ले करता है ब्लड कोगुलेशन में, तो सबसे पहले फॉर्मेशन करता है वो गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामेट की। जो विटामिन के रिक्वायर्ड है हेपेटिक सिंथेसिस ऑफ ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन्स को, जिसमें हमारे पास है प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर 2, फैक्टर 7, 9 एंड 10, ये वो प्रोटीन है जिनको विटामिन के रिक्वायर है। अब इन प्रोटीन के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं ग्लूटामिक एसिड के रेजिड्यूज, ठीक है। अब इन जो प्रोटीन्स हैं जिनमें हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन है फैक्टर 2, 7, 9 और 10 है, इनको एक्टिव करने के लिए जो इनके स्ट्रक्चर में ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यू प्रेजेंट है उनकी एक्टिवेशन ज़रूरी है, और उसकी एक्टिवेशन के लिए विटामिन के रिक्वायर है, क्योंकि वो उन जो ग्लूटामिक एसिड के रेजिड्यूज प्रेजेंट हैं इन क्लोटिंग फैक्टर्स में उनकी करता है कार्बोक्सीलेशन बाय एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सीलेशन करता है जिसकी वजह से जो ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यू हैं वो चेंज हो जाते हैं गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यू, ठीक है। अब ये हो गई उन फैक्टर्स की जो कि हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन है 2, 7, 9, 10 है, प्रोथ्रोम्बिन ही फैक्टर 2 होता है, उनकी एक्टिवेशन के लिए, ठीक है। ये जो फॉर्मेशन हुई है ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यूज़ की, ये सेंसिटिव होते हैं वारफरीन को। वारफरीन आप कह सकते हैं कि जो विटामिन के का रोल है उससे रिवर्स रोल प्ले करता है, विटामिन के कोगुलेशन कराता है, वारफरीन जो है वो एंटी कोगुलेशन कराता है, ठीक है। आपने अक्सर देखते हैं जिन ट्यूब्स में हम वो ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं अक्सर वो वारफरीन कोटेड होती है या उनमें वारफरीन ऐड कर दिया जाता है ताकि वो हेपरिन वगैरह चीज़ें, ताकि वो ब्लड क्लॉट ना फॉर्मेशन ना हो सके। अब ये जो गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामिल रेजिड्यू बन जाते हैं, ये जो कार्बोक्सी ग्लूटामिल रेजिड्यू हैं ये क्या करते हैं कैल्शियम आयन के साथ बाइंड करते हैं, क्यों, क्योंकि जो ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यू हैं उनमें कार्बोक्सिली ग्रुप आपको नज़र आ रहा है पिक्चर में, दो कार्बोक्सिली ग्रुप प्रेजेंट है विद नेगेटिव चार्ज, तो ये कैल्शियम के साथ वेरी गुड पोटेंट है कि उनके साथ चिलेशन फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल प्रोथ्रोम्बिन के अंदर जो ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यू हैं गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामिक रेजिड्यू हैं वो कंबाइन करते हैं कैल्शियम के साथ और कम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। ये जो कम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है ये बाइंड करते हैं नेगेटिवली चार्ज मेम्ब्रेन के साथ, फॉस्फोलिपिड के साथ, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आपकी स्किन है डैमेज हुई है, कोई कट लग गया, तो ये जो एंडोथीलियम के ऊपर हमारे फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है मेम्ब्रेन के ऊपर, तो फिर वो जो प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम कॉम्प्लेक्स बना था वो उसके साथ अटैच करेगा और वहाँ पे ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन करेगा। ये बेसिकली जो है वो स्ट्रक्चर है, और वो प्रोथ्रोम्बिन को फिर थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा, और जो थ्रोम्बिन है फिर वहाँ से फिब्रिन और एक कोट बनेगा और ब्लड क्लोटिंग हो जाएगी। विटामिन के का जो रोल है बेसिकली वो सिर्फ और सिर्फ जो है, और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है,
कि उसने पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन करनी है फैक्टर 2, 7, 9 और 10 की, उनके ग्लूटामिक जो एसिड रेजिड्यूज़ हैं उनको एक्टिवेट करना है बाय कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। एंड जब विटामिन के प्रेजेंट नहीं होगा तो उनकी एक्टिवेशन नहीं हो पाएगी और फर्दर जो है वो ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाएगी। इसके अलावा जो विटामिन के जो है वो ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यू के अलावा जो अदर प्रोटीन है ब्लड क्लोटिंग के उनके इसमें भी प्रेजेंट होता है, उनकी भी गैमा कार्बोक्सिलेशन करता है, जिसमें हमारे पास है ऑस्टियोकैल्सिन ऑफ बोन एंड प्रोटीन सी एंड एस, उनकी भी गैमा कॉन्सिब्यूशन होती है। जो विटामिन के है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द सिंथेसिस ऑफ गैमा कार्बोक्सीग्लूटामेट जो कि प्रेजेंट होती है ऑस्टियोकैल्सिन में एंड बोन मैट्रिक्स में, ठीक है। जो ऑस्टियोकैल्सिन है ये सिंथेसिस होती है ऑस्टियोब्लास्ट में जब हमारी बोन फॉर्मेशन होनी होती है, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन है ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे बोन फॉर्मेशन के लिए, और इस जो ऑस्टियोकैल्सिन है इसकी सिंथेसिस होती है ऑस्टियोब्लास्ट से, जिसको रेगुलेट कर होता है विटामिन डी और कैल्सिट्रायोल। लेकिन उनके साथ जो मिनरल बाइंडिंग कैपेसिटी होती है ऑस्टियोकैल्सिन की, मतलब जिसकी कैल्सिफिकेशन, मतलब आप बोन फॉर्मेशन तो कर लेते हैं, कोलेजन फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन उसके बाद मिनरल्स की कोटिंग होती है बोन के ऊपर जो उसको स्ट्रेंथ देती है, तो उस कोटिंग के लिए जो है वो रिक्वायर है विटामिन के, क्योंकि वो जो ऑस्टियोकैल्सिन में गैमा ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यूज प्रेजेंट है उनकी गैमा कार्बोक्सिलेशन करती है विटामिन के। जब उनकी कार्बोक्सिलेशन हो जाती है तो ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यूज जो प्रेजेंट होते हैं उनके साथ फिर कैल्शियम आके बाइंड करता है और उसकी मिनरलाइजेशन कराता है बोन की और उसको स्ट्रेंथ देता है। व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द कॉजेटिव एजेंट जो कि रिस्पॉन्सिबल है विटामिन के की डेफिशिएंसी के लिए, उनमें सबसे पहले हमारे पास है सर्जिकल इंटरवेंशन ऑफ इंटेस्टाइन। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उस पार्ट को रिमूव करके बाकी पार्ट को जोड़ दिया जाता है, तो अगर इंटेस्टाइन का वो पार्ट जो रिमूव हो जाए जहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो विटामिन के सिंथेसिस रिस्पॉन्सिबल है, तो वो रिमूव हो जाए पार्ट या उसमें कोई डिजीज़ हो जाए तो उस वजह से फिर उसको रिमूव कर दिया जाए तो विटामिन के की डेफिशिएंसी हो सकती है। उसके बाद मैंने आपको फैट मेल अब्जॉर्प्शन का बताया था, अगर डाइटरी डेफिशिएंसी हम डाइट में प्लांट सोर्सेज नहीं ले रहे तो भी विटामिन के की डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके अलावा अगर हम एंटीबायोटिक्स ऐसी ले रहे हैं जो कॉज कर रही है हमारी विटामिन के की डेफिशिएंसी, ऑब्वियसली जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो वो हमारे नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा पे भी इफेक्ट करती हैं, तो प्रोलॉन्ग अगर हम उनका यूज़ करेंगे तो जो हमारा नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा है वो भी डैमेज होना शुरू हो जाएगा, और अगर वो डैमेज हो गया तो जो नॉर्मल हमारी बॉडी में विटामिन के की सिंथेसिस हो रही है वो प्रिवेंट होगी। इसके अलावा क्रॉनिक लीवर डिजीजेस, क्योंकि लीवर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विटामिन के, सो अगर कोई लीवर प्रॉब्लम होगी, कोई भी लीवर की डिजीज़ होगी, तो ऑब्वियसली जो है विटामिन के का फंक्शन जो है वो इम्पेयर होगा। अब वैसे तो विटामिन के की डेफिशिएंसी जो है वो अनयूजुअल है, क्योंकि हमारे जो इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया हैं वो तो एम्पल अमाउंट में जो है वो विटामिन के की सिंथेसिस कर रहे होते हैं, लेकिन जो न्यू बॉर्न होते हैं उनमें विटामिन के की डेफिशिएंसी हो सकती है नंबर ऑफ रीजंस की वजह से। सबसे पहले अगर मेटरनल मेडिकेशंस है, अगर मदर जो है वो ऐसी मेडिकेशन ले रही जिनमें एंटी कन्वर्जेंट्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, विटामिन के एंटी कोगुलेंट हैं या एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग्स हैं, क्योंकि एंटी ट्यूबरकुलोसिस जो है वो भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो इन सब की वजह से, इन मेटरनल मेडिकेशन की वजह से प्लेसेंटा के थ्रू और मिल्क के थ्रू ये ट्रांसफर हो सकती हैं, डैट्स वाई फिर इन बेबीज़ में जो है वो विटामिन के की डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके अलावा इनएडिक्वेट प्लेसेंटल ट्रांसफ़र फ्रॉम मदर टू बेबी जो है वो इनएडिक्वेट ट्रांसफ़र हो रहा है विटामिन के का, लिमिटेड स्टोरेज इन लिवर और इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी इन ब्रेस्ट मिल्क। जो हमारा ब्रेस्ट मिल्क होता है वो 1/5 डेली रिक्वायरमेंट पूरी करता है विटामिन के की, जो कि इनफ नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए फिर रेकमेंड किया जाता है कि जितने भी न्यू बॉर्न बेबी है उन्हें इंट्रामस्कुलर डोज दी जाती है विटामिन के की, ताकि एंटी हेमरेजिक डिजीज़ को अवॉइड किया जा सके। एंड थर्ड द रीज़न जो है कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनकी इंटेस्टाइन जो है वो स्टराइल होती है, तो ऑब्वियसली फिर उनका माइक्रोफ्लोरा नहीं अवेलेबल होगा कि वो विटामिन के की सिंथेसिस कर सके, तो वो ऑल एंड ऑल जो है वो मदर पे डिपेंड करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के लिए। द मेन सिम्टम्स ऑफ द इन बेबीज जो कि हेमरेज जो है वो फेस करते हैं उनमें
ब्रूज होती है, ब्लीडिंग होती है फ्रॉम नोज, फ्रॉम अ वूंड, और वो स्टॉप नहीं होती, वो कंटिन्यूस रहती है इन द स्टमक और इन द इंटेस्टाइन। ब्लड में बी सीन इन द यूरिन और स्टूल, स्टूल का जो कलर है वो ब्लैकिश हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्लड। इन न्यू बोर्न लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग विद इन और अराउंड द ब्रेन में अकर। आपको पता है कि विटामिन के का रोल है बोन फॉर्मेशन में और इन द एंटी हेमरेजिक है, तो ऑब्वियसली अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो वीक बोन्स होंगी, कैल्सिफिकेशन नहीं होगी क्योंकि वो कैल्शियम का कम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है, तो वो बोन के ऊपर मिनरलाइजेशन होती है, तो सॉफ्ट टिश्यू कैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी और हेमरेजिस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। सॉफ्ट टिश्यू कैल्सिफिकेशन क्यों हो जाएगी, क्योंकि अगर जो एस प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है तो लेबोरेटरी टेस्ट किए जाते हैं डिटर्मन करने के लिए विटामिन के की डेफिशिएंसी में। उसमें प्रोथ्रोम्बिन टाइम आता है, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम है, फिब्रिनोजन लेवल्स हैं, प्लेटलेट काउंट किया जाता है और फुल कोगुलेशन प्रोफाइल जो है वो डिटर्मन की जाती है। जो प्रोलॉन्ग प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो फर्स्ट लेबोरेटरी टेस्ट है जो कि विटामिन के की एबनॉर्मल डेफिशिएंसी या ब्लीडिंग ड्यू टू रिडक्शन इन प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर्स 2, 9, 7 and 11 की वजह से होता है, उनको चेक करते हैं। बेसिकली जो प्रोथ्रोम्बिन एलिवेट होता है टाइम, वो ड्यू टू विटामिन के डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है या लीवर डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है। तो अगर एलिवेटेड टाइम जो है अगर विटामिन के प्रोवाइड करने के बाद भी ठीक ना हो तो फिर इसको रिड्यूस किया जाता है कि ये किसी भी लीवर डिजीज़ की वजह से है, विटामिन के डेफिशिएंसी की वजह से नहीं है। वैसे तो विटामिन के की डेफिशिएंसी अनयूजुअल है क्योंकि हमारा इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया वो तो सिंथेसिस कर ही रहे हैं, तो लेकिन अगर फिर भी अगर उसकी सिंथेसिस नहीं हो रही और हम डाइटरी सोर्सेज भी नहीं ले रहे हैं विटामिन के की, तो फिर जो क्रॉनिक मैलअब्सॉर्प्शन के पेशेंट हैं उनको 1 to 2 mg पर डे जो है विटामिन के ओरली दिया जाता है और 1 to 2 mg पर वीक कैन बी टेकन पैरेंटरली इंजेक्शन के थ्रू। जो हमारे नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा बना रहा है या फ्राइलोक्विनोन डाइट्री सोर्स हम ले रहे हैं वो तो ऐसा जो है वो डाइट्री टॉक्सिसिटी कॉज नहीं करते विटामिन के, लेकिन अगर हम हाई डोज ले रहे हैं विटामिन के जो सिंथेटिक है मीनाडायोन की फॉर्म में, तो वो कॉज कर सकते हैं टॉक्सिसिटी। और इसके जो रिजल्ट्स में होता है जो सिम्टम्स हैं, हीमोलिटिक एनीमिया कॉज करता है, जॉन्डिस हो जाता है इन्फेंट्स में, और क्योंकि टॉक्सिक इफेक्ट जो है वो आरबीसीस की पे होते हैं तो उनकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। और इट इज़ नो लॉन्गर यूज टू ट्रीट विटामिन के डेफिशिएंसी, अपर लिमिट जो है वो अभी तक विटामिन के की कोई सेट नहीं की गई के, मतलब अपर लिमिट होती है जिसके बियॉन्ड अगर हम लेंगे तो वो टॉक्सिसिटी कॉज करेगा।